दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सभी लोग एक बेस्ट टेबल फैन खोज रहे हैं या एक बेस्ट पेडेस्टल फैन खोज रहे हैं तो आप सभी लोग के लिए एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, वो है ये वीगार का फिनेस्टिया एसटीएस मॉडल। क्योंकि ये एक 2-in-1 फैन है, ये टेबल फैन भी बन जाता है और साथ साथ ये पेडेस्टल फैन भी बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी का रिव्यू देने वाला हूं क्योंकि ये एक बेस्ट क्वालिटी का है। अभी मैंने इसको रिसेंटली परचेस किया है और इसके जो फीचर्स थे कमाल के हैं, चलने में बहुत अच्छा हवा देता है और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए मैं आपको इसको फैन के दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी देखिए, ये करीब 55 वाट का ये फैन है और 1350 rpm में इसका पूरा स्पीड है। और इसका इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे व्हाइट है, ब्लैक है, बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। और अगर आप सभी को ये फैन परचेस करना है तो मैंने इसकी जो अमेजन एफिलिएट लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग डेफिनेटली जाके उस लिंक के थ्रू अमेजन में इसका रिव्यूज पढ़ सकते हैं और पसंद आएगा तो आप लोग डायरेक्टली अमेजन से एक अच्छे डिस्काउंट में इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। सो इसका एक ओवरऑल आप पहले लुक देख लीजिए। अभी ये एक नॉर्मल हाइट में है, अगर मैं आपको दूर से दिखाता हूं तो आपका अभी देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ज्यादा है। अभी फिलहाल इसकी मैंने हाइट इंक्रीज नहीं करी है तो अभी फिलहाल इसको आप एज ए टेबल टॉप फैन की तरह यूज कर सकते हैं। और यदि हम लोग इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक नॉब जैसे दिया हुआ है, अगर आप इसको खोलेंगे तो इसकी हाइट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंक्रीज। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये अब इसकी हाइट इतना ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो अभी हाइट के मुकाबले में यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो देख सकते हैं अभी हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसमें दूर में रखे आप उसको ऐसे पेडेस्टल फैन को यूज कर सकते हैं। और इसके फीचर्स के बारे में बताऊं तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग एंगल दिया हुआ है, नीचे आएगा, 3-4 सेटिंग दिया हुआ है तो घुमा कर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसका जो इसकी बॉडी है ये मेटल की नहीं बनी है, ये पूरी एबीएस प्लास्टिक है, काफी अच्छे क्वालिटी का एबीएस प्लास्टिक है। और इसकी आप लोग बेस भी देख सकते हैं, काफी स्टेबल है, गिरने का तो कोई भी चांस नहीं है क्योंकि इसका जो बेस है वो काफी वाइड है। आप लोग देख सकते हैं ये जो बेस है काफी ज्यादा वाइड है। अगर मैं बात करूं इसके ब्लेड्स के बारे में, यहाँ पर 3 ब्लेड दिए हुए हैं और ये भी मटेरियल काफी ज्यादा, ये मेटल का है और आप लोग उसके अंदर का ब्लेड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1350 rpm में काफी अच्छे से हवा देता है। अगर ये भी हम लोग बात करें इसके कितनी वेरिएबल स्पीड में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 सेटिंग तक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ फंकी नहीं है, जैसे इसको प्लग करेंगे ये फैन चल हो जाएगा। 1, 2, 3 काफी अच्छे क्वालिटी के, इसमें बटन भी बहुत अच्छे हैं और जब इसको प्रेस करते हैं तो काफी अच्छा एक साउंड होता है। बस मुझे इसमें एक फैन में एक डिसएडवांटेज लगा, वो था इसका वायर का लेंथ। अगर आप लोग देखेंगे, मुझे लगता है ज्यादा बड़ा वायर नहीं है तो इसके लिए डेफिनेटली आपको इसका एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा या तो आपको प्लग बोर्ड के आसपास ही आपको उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसका वायर का लेंथ मुझे थोड़ा छोटा लगा, बाकी इसके अलावा मैं आपको उसको चला कर दिखाता हूँ कि चलाने के बाद किस तरह से साउंड करता है। काफी शांत है, आपको ज्यादा आवाज नहीं प्रोड्यूस करता है और ये पूरा इस तरह से घूमता भी, मैं आपको लगा के इसको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसका पावर प्लग चालू कर दिया, उसको स्टार्ट करने काफी इजी है, इसमें कुछ ऑन ऑफ बटन नहीं दिया है। सिंपली अगर आप इसको 1 को प्रेस करेंगे, 2 को प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगी। सबसे इसका लोएस्ट स्पीड है और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये रोटेशन वाला है, मतलब ये चारों एरिया में, मतलब सारे पूरे आपके कमरे में हवा देगा। और आप थोड़ा पास आगे देखिए, मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। पीछे से साउंड ज्यादा आपको पता चलेगा क्योंकि सामने से काफी ज्यादा विंड का आवाज आता है, तो पीछे से अगर आप साउंड सुनेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा किसमें साउंड कितना ज्यादा कम है। मैं बिल्कुल 2 मिनट में साइलेंट होता हूँ। तो देख सकते हैं काफी कम साउंड है और अब मैं इसका स्पीड बढ़ाता हूँ सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे थोड़ा स्पीड और बढ़ जाती है और थर्ड नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट है काफी मस्त हवा आता है, मतलब सामने भी रहेंगे दूर भी रहेंगे, इसका जो एयर थ्रो है वो बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये वीगार्ड की तरफ से है, 1 साल की इसमें आपको वारंटी मिलती है और काफी ब्रांडेड कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली इसको चेकआउट करेगा। अगर एक अच्छा 2-in-1 स्पेशली मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ कि उसको आप हाइट छोटा करके एज ए टेबल टॉप यूज कर सकते हैं और हाइट लंबा करके एज आप लोग पेडेस्टल फैन यूज कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि शायद इंडियन मार्केट में इसके अलावा कोई ऐसा ब्रांड होगा जिन्होंने इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने जस्ट अपने घर में इसको परचेस किया, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे पाऊँ। तो ये प्रोडक्ट आप सभी को डेफिनेटली बस चेकआउट करना चाहिए। और दोस्तों अगर इस फैन से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो किसी को जैसे पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरह से होम अप्लायंसेस या किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यू देखना तो आप लोग मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।